बिहार में सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में हर व्यवस्था बेहतर कर दी गई है, साथ ही वहां मरीजों का बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मुंगेर के हवेली खड़गपुर के सरकारी अस्पताल जाने वाले मरीजों का आरोप है कि बगैर दक्षिणा दिए अस्पताल में कोई काम नहीं होता, प्रसूता दर्द से छटपटाती रहती है, वहीं अस्पताल के कर्मचारी पैसे की मांग करते रहते हैं। मरीजों ने बताया कि अस्पताल कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से 900 रुपए वसूलने पर ही प्रसव कराया जाता है। 8 बजे दिन में ले लो। कितना पैसा लेते हैं? 900। की बोल लको? कि जब कि नहीं देबो तो नहीं कर देबो तो कर ना बड़े गरीब क्या करते हैं। तभी दिन का सादा भती वाली। ये पेशेंट कौन है आपके? सादा ड्रेस वाली कर। अच्छा, ये बताइए ना, ये कौन है पेशेंट आपके? ये हमरा के पुतहू। पुतहू है? हाँ। इन्हीं का डिलीवरी करवाने आए थे। हाँ। तो डिलीवरी में पैसा लिया? हाँ। जब तक नहीं लिया हाथ नहीं लगाया? हाँ, करार करी। करार करी तो हाथ लगाएंगे, कल यहाँ दवाई। इस बात की पुष्टि अस्पताल की आशा ने भी की है। उनका कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात प्रसव कक्ष में ANM और GNM पैसे की वसूली करते हैं। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर LB गुप्ता ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें बिना पैसे लिए प्रसव नहीं कराने का आरोप है। आरोप की पुष्टि हो गई है, दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें प्रसव के दौरान पैसे लेने की बात ANM के द्वारा की जा रही है। क्या है मामला सर? अभी तक ये मैटर मेरे डायरेक्ट मेरे सामने कभी नहीं आया है, लेकिन कल जो लेटर प्राप्त हुई है, उस जब वो लेटर प्राप्त होने के बाद हम उस पर संज्ञान लिए हुए हैं और BCM को जांच करने के लिए दिए कि कौन आशा है और कौन ऐसा आशा से GNM पैसा ले रही है, ANM पैसा ले रही है, वो सामने आके प्रूफ करवा दे, साक्ष्य दे दे, हम उस GNM पर एक्शन लेंगे। और सर, अभी प्रसव केंद्र में भी बहुत सारी प्रसव कराने आई महिलाओं ने भी ये आरोप लगाया है कि बिना पैसा लिए, मतलब कि हाथ नहीं लगा रही हैं प्रसव कराने में, और पैसा लिए तब उन पेशेंट को देखा गया। हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। इसमें कितने लोगों पर एक्शन होगा? जो GNM है, जिसका उस पीरियड में रोस्टर में नाम आया है, सब पर एक्शन ले रहे हैं। कितने लोग आए हैं सर लगभग, कुछ तो बताइए। 3-4 लोगों पर। मुंगेर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप यह वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।